नमस्कार, मैं हूं बिलाल। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के दतिया की। आपको देखिए, यहाँ पर सहारा प्रमुख सुब्रत राय की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ग्राहकों के पैसे भुगतान के ना चलते आए दिन पुलिस से कार्रवाई को लेकर लगातार एक कदम आगे बढ़ा रही है। आपको देखिए, यहाँ पर सहारा प्रमुख सुब्रत राय को ग्राहकों के पैसे ना देने के चलते मध्य प्रदेश के दतिया जिले में यहाँ पर सुब्रत राय पर दर्ज मामलों के चलते सुब्रत राय की गिरफ्तारी को लेकर टीम लखनऊ पहुंची। सहारा ग्रुप के ऊपर दतिया के लोगों का पॉलिसी का यहाँ पर पैसा वापस ना करने पर जिले भर में कई अपराध पंजीकृत हैं, जिनमें यहाँ पर लोगों का करोड़ों रुपए का सहारा पर बकाया बताया जा रहा है। सुब्रत राय के अलग अलग ठिकानों पर टीआई रविंद्र शर्मा के नेतृत्व में दतिया पुलिस के यहाँ पर दबिश दी जा रही है और ये पूरी कार्रवाई लखनऊ में की गई। कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा है दतिया कोतवाली टीआई रविंद्र शर्मा ने, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। और चलिए, एक और अच्छी खबर है दतिया की, वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर दतिया कलेक्टर संजय कुमार को 15वें सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सम्मानित किया गया। कलेक्टर संजय कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा है। दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने यहाँ पर एक्सीलेंस अवार्ड मिलने पर दतिया की जनता का धन्यवाद किया, उनका आभार व्यक्त किया है। कलेक्टर संजय कुमार की तरफ से दतिया में किए गए अच्छे काम को लेकर इस अवार्ड से उनको नवाजा गया। इसी दौरान दतिया कलेक्टर संजय कुमार के साथ बाल विकास अधिकारी अरविंद उपाध्याय और साथ ही स्टेनो श्रीनाथ पटेरिया भी मौजूद रहे। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो अवार्ड मिलने के बाद कलेक्टर संजय कुमार ने दतिया के लोगों को शुभकामनाएं भी दी। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की बीरसिंहपुर रेलवे स्टेशन का एक ऐसा हाल हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एक और केंद्र सरकार रेल मंत्री यात्रियों के यहाँ पर सुविधाओं को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन इन सभी वादों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। ताजा मामला उमरिया जिले के बीरसिंहपुर रेलवे स्टेशन का है, जहाँ पर साफ सफाई का बुरा हाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन पर भी पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अधिकारी कर्मचारी जो है इस भीषण गर्मी में यहाँ पर पानी पीने को भी लेकर कोई व्यवस्था नहीं कर रही, यात्रियों को भी पर जो है तरसना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर स्टेशन में वाटर कूलर तो लगाया गया, पर वो वाटर कूलर भी जो है गर्म पानी ही दे रहा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सुधरेगा वाटर कूलर तो सालों बाद भी ऐसी ही बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। जबकि बात करें यहाँ पर उमरिया के बीरसिंहपुर रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ का यात्री प्रतीक्षालय भी हमेशा बंद रहता है। लोगों की तो यहाँ पर पता ही नहीं है कि उन्होंने यहाँ पर वेटिंग रूम का ताला कब खुला हुआ देखा होगा। और भी कई सी खामियां हैं, सुनिए क्या कुछ कहती है वहां की जनता। जी, दीपक मिश्रा नाम है मेरा, मैं यहीं बीरसिंहपुर पाली क्या क्षेत्र से रहने समस्या? वाला। जी सर, मेन समस्या यहाँ पर यह है कि सर, एक तो यहाँ देखिए कितनी गंदगी हो रही है सर। आप जहाँ भी मतलब देखिए, प्रधानमंत्री का नारा रहता है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत, तो अब यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा सर। अरे मतलब गाय गोबर यहाँ कर रही हैं। और दूसरा सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे वेटिंग रूम का है सर। मतलब इतनी गर्मी में आप सोचिए कि मतलब ताला नहीं खुला, वहाँ ताला लगा के रखे हुए हैं। दूसरे रूम में है कि कागज़ वागज चिपका दिए हैं कि वहाँ खुलेगा ही नहीं कुछ। और मतलब यहाँ पब्लिक कहाँ जाएगी सर? कमल सिंह नाम है मेरा, वार्ड नंबर 14 दफाई, न्यू क्या ब्लॉक समस्या, दफाई। क्या कह रहे हैं? समस्या यही है कि आप देख रहे हैं गंदगी बनी हुई है, वेटिंग हॉल है लेकिन बंद रहता है, सुविधा किसी प्रकार की नहीं है। वाटर कूलर लगा है लेकिन उसमें पानी ठंडा पानी नहीं है, मजबूरी में लेना पड़ता है। मान लीजिए हम तो ले सकते हैं, पर जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से लेंगे? और उमरिया में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीरसिंहपुर, यहाँ पर जो है बीरसिंहपुर पाली में विकास खंड स्वास्थ्य मेला और साथ ही शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर विशेष चिकित्सकों की तरफ से निःशुल्क जांच उपचार की गई। और साथ ही शिविर में यहाँ पर मुख्य अतिथि आदिम जाति विकास मंत्री मीना सिंह की उपस्थिति में यहाँ पर कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया गया।
सबसे पहले मंत्री मीना सिंह की तरफ से छोटी छोटी कन्याओं के पैर धोकर उनकी पूजा अर्चना की गई है। और उसके बाद इस शिविर का यहाँ पर उद्घाटन किया गया जो है। बता दें आपको, इस शिविर में यहाँ पर जबलपुर शहडोल उमरिया के जो है विशेषज्ञ डॉक्टर पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ पर लोगों की जांच की। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार अमृत महोत्सव के इस वर्ष में सभी ब्लॉक स्तरीय मुख्यालयों पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक बैठकर इलाज करेंगे। और यदि किसी व्यक्ति को और अधिक इलाज की आवश्यकता है या कोई विशेषज्ञ नहीं आ पाया है तो उन्हें मेडिकल कॉलेज या अन्य जगह पर रेफर किया जाएगा और उनका वहाँ इलाज कराया जाएगा। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की आपदा के। यहाँ पर चंपावत जिले के मंच तामली गांव पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोरखनाथ मंदिर में सबसे पहले दर्शन किए और उसके बाद ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सीएम धामी ने बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी की तरफ से दिए गए इस्तीफे और साथ यहाँ पर सीट खाली करने का आभार व्यक्त करते हुए बताया, विधानसभा 55 चंपावत आने वाले समय मानचित्र के आपन नक्शे में होगा और अच्छा विकास और कार्य यहाँ पर किया जाएगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो इस क्षेत्र के विधायक कैलाश गहतोड़ी जी का बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस क्षेत्र की महान जनता का आभारी कि वो इतना स्नेह और इतना प्रेम मुझे दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि ये हमारा चंपावत क्षेत्र आने वाले समय में भारत के मानचित्र में इसका एक स्थान है। हर क्षेत्र में, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्यानिकी का क्षेत्र हो या ऊर्जा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारा प्रयास हो। हरिद्वार के भाद्रबाद में स्थित यहाँ पर उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय का आज जो है नौवां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें यहाँ पर उत्तराखंड की राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। राज्यपाल की तरफ से संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 5630 छात्र छात्राओं को स्नातक और साथ ही प्रस्नातक की यहाँ पर उपाधियां देकर सम्मानित किया गया, जबकि 13 छात्रों को पीएचडी और साथ ही 29 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल देकर नवाजा गया। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी ने बताया, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उत्तराखंड की राज्यपाल जो है मौजूद रहे और राज्यपाल और साथ ही विश्वविद्यालय के अपर कुलपति की तरफ से यहाँ पर सभी जो है छात्रों को सम्मानित किया गया। ये विश्वविद्यालय का आज का जो नवम दीक्षांत समारोह है, ये प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ा उत्सव होता है और ये विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे मध्य में हमारे कुलाधिपति माननीय राज्यपाल महोदय उपस्थित हुए। और मैं अपने विश्वविद्यालय और सभी गुरुजनों के प्रति, अपने जो शोध निदेशक हैं उनके प्रति मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूं उनको। और आज मैं खुश हूं कि आज जो लगभग 5 साल की जो मेहनत थी पीएचडी की, वो आज हमें पूर्ण उसका जो फल है वो आज हमें मिला। संस्कृत यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुई, जिसके अंदर में 5620 स्टूडेंट्स को डिग्री प्राप्त हुई। मुझे बहुत खुशी हुई कि इनमें से 13 को पीएचडी और 29 को गोल्ड मेडल का पुरस्कार मिला। आज सबसे आत्मा के स्तर पर जो एक अलग से ही खुशी हुई वो ये है कि पूरा पूर्ण प्रोग्राम और चले बात करें कालाढूंगी की। आपको यहाँ पर कालाढूंगी थाना पुलिस ने नैनीताल तिराहे के पास से भारी मात्रा में विदेशी अवैध शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि बरामद शराब पिकअप में रखी हुई थी और पुलिस ने मौके से 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। सीओ बलजीत सिंह भाकनी के यहाँ पर बता दी कि उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि कार्रवाई कर एक पिकअप में यहाँ पर बड़ी मात्रा में विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गई। करीब 29 पेटी अवैध शराब की बरामद की है, जिसकी कीमत तकरीबन 12 लाख रुपए आंकी जा रही है। साथ ही 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है। कल रात्रि चेकिंग में हमारे द्वारा रात्रि चेकिंग की जा रही है। रात्रि चेकिंग के दौरान कालाढूंगी तिराहे पर एक अशोक लीलैंड गाड़ी को रोका गया, जिसमें 29 पेटी अलग अलग ब्रांडों की शराब की थी
और उसके जो पेपर थे वो लीगल पेपर नहीं थे, उसमें कटिंग की गई थी और उसमें 60/72 एक्साइज एक्ट पंजीकृत करके दोनों मुलजिम को जेल भेजा जा रहा है सर। चलिए बात लक्सर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि लक्सर के खड़ंजा गांव के 17 वर्षीय किशोर पर गांव के ही दो सगे भाइयों ने चाकू से ताबतोड़ कई बार कर दिए। बताया जा रहा है कि यहां पर परिजन घायल को लेकर लक्सर सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे गंभीर बनाकर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। मिली तहरीर पर पुलिस ने भी दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई। कुछ दिन पहले खड़ंजा कुतुबपुर गाँव निवासी राशिद जो है 17 साल जिसकी उम्र बताई जा रही, मुस्तकीम और साथी गांव की ही यहां पर जो है मुदस्सिर पुत्र मौसम के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी और उसी बात की रंजिश के चलते यहां पर उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तबीयत तो बोल नहीं रहा, उल्टी हो रही और हाल खराब हो उसका भी। किन किन लोगों ने चक्कू मारा? एक तो अंडा हो, एक दोनों सगे भाई। पुलिस क्या कह रही? पुलिस हमारी मदद कर रही है। एक तो जी किंग जी अंडा किंग बड़ा गुंडा जी मुदस्सिर उसका नाम हो, रंजे का ही रहना हो। कुछ कहा सुनी हुई या नहीं हुई, बच्चा बैठा था, पांच चार लोग बैठे थे उसके पास, आया चाकू निकाला और यहाँ छाती को उसको घोप दिया। लक्सर नगर और साथी देहात में हर दिन हो रही बिजली की कटौती से नाराज लोगों ने बिजली घर पहुंचकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंचे खानपुर विधायक ने भी लोगों से बातचीत की और जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो, लेकिन यहां पर एक जई के अलावा कोई अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं था। विधायक ने ऊर्जा निगम के MD और साथी सचिव से भी बात कर नाराजगी जताई है। अप्रैल महीने की यहाँ पर शुरुआत से ही क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ रही है और ऊपर से यहाँ पर ऊर्जा निगम की तरफ से नगर और साथी देहात में हर दिन लंबी कटौती की जा रही है और इससे नाराज 50% से भी अधिक लोग गुरुवार को लक्सर बिजली घर के यहाँ पर जो स्थित ई कार्यालय पहुंचे और हंगामा करने लगे। तभी खानपुर विधायक उमेश कुमार भी बिजली घर पर पहुंचे और लोगों से उनकी समस्या सुनी और उसके बाद अधिकारियों से बात करनी चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि बिजली की कटौती होने के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कि किसान बाहुल्य क्षेत्र है, किसान दिन भर खेती में होता है, शाम को घर आता है हारा थका, और उसके बाद घर आने के बाद उसको पता लगता है कि घर पे ना तो किसी के घर पे पीने के पानी की समस्या हो जाती है लाइट ना होने के कारण, किसी का बिजली की समस्या है, पंखा नहीं चल रहा, वो आराम नहीं कर सकता, गर्म महीना है, सर्दियाँ हो तब भी आदमी निभा लेता है, रमज़ान का महीना है, 6:30-7 इफ्तारी होती है, पूरे दिन भर का थका हुआ इंसान घर पर आता है शाम को, तो इस तरीके से अगर बिजली की कटौती होगी, ठीक है मैं मानता हूँ कि राज्य सरकार के पास बिजली की कमी है और उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा और बाहरी राज्यों से बिजली भी नहीं खरीद पा रहे। लक्सर में ऋण आवंटन में गड़बड़ी की शिकायत पर जो है आज को खानपुर विधायक उमेश कुमार ने भी यहाँ पर भूरनी की सहकारी समिति का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में वहां पर महज एक कर्मचारी बैठा हुआ था। समिति के स्टॉक रजिस्टर के हिसाब से गोदाम में DOP खाद भी कम था। नाराज विधायक ने यहां पर कार्रवाई करने को लेकर अधिकारियों को भी यहां पर जो है रिपोर्ट भेज दी और साथ ही दो दिन पहले भी यहां पर भोरना निवासी किसान राजकुमार त्यागी ने खानपुर विधायक उमेश कुमार से मिलकर भोरनी के यहां पर मोहम्मदपुर बुजुर्ग सहकारी समिति में किसानों को ऋण देने में गड़बड़ी की शिकायत की थी। बताया जा रहा है कि पुराना सारा ऋण अदा करने के बाद भी उनका खाता नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते ये धांधली सामने आ रही थी, उसी को लेकर औचित निरीक्षण किया गया है। जो कि किसान यहाँ के जो ग्राम समिति के भूडनी खतीरपुर के जो किसान है यहाँ पे जो इन लोगों को खाद नहीं दिया जाता है। समिति खुलने का समय 10 बजे है, 10 बजे से पहले यहाँ पे ट्रॉली आती है, ट्रॉली में 100 कट्टे भर दिए जाते हैं। किसान पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं कि ये मारकपुर जा रहे हैं। भाई मारकपुर क्या भाई, समिति तो यहाँ यहाँ से दिया जाए किसानों को खाद, तो यहाँ से खाद अवेलेबल नहीं हो पाता, यानी कि लगातार गड़बड़ की जी लगातार गड़बड़ी। मेरे पास कई लोग आए, उनका कहना था कि सब खाद होती है तो खाद देते नहीं है, डाई होती है तो नहीं देते हैं। अब आज मैंने औचक निरीक्षण किया तो रिकॉर्ड में जो इनका खाता है जो उसमें 162 कट्टे स्टॉक में होना था, और जब हमने इनसे पूछा कि स्टॉक की गिनती कराओ तो इन्होंने कहा सब कट्टे बिक गए कुछ। नैनीताल भारतीय शहीद सैनिक स्कूल में जो है गुहा रिसर्च और साथी भावा ऑटोमेटिक सेंटर से आई वैज्ञानिकों ने कक्षा 10वीं और साथी 12वीं के छात्र छात्राओं से
बायोलॉजिकल और साथ ही केमिकल विषयों की यहाँ पर जानकारी साझा की। डॉक्टर रसना भंडारी ने यहाँ पर छात्र छात्राओं से जानकारी साझा करते हुए कहा है कि साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बच्चों से कहा है कि यहाँ पर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें अपने निजी जीवन में स्वयं और सारे दूसरों से यहाँ पर प्रश्न करने पड़ेंगे, तभी हमें विज्ञान की जानकारी मिल सकेगी। लोग जो साइंटिस्ट्स हैं, हम एक आउटरीच प्रोग्राम ये करते हैं कि 10वीं 12वीं के बच्चों के साथ बस साइंस के बारे में हम लोग बातचीत करें कि भाई साइंटिस्ट बनना क्या चीज़ होता है, साइंस हम लोग कैसे पढ़ते हैं, आगे जाके ये क्या प्रयोग करते हैं। जस्ट उनको भाई, बच्चों को आजकल क्या है ना, उनको ये जानकारी है कि भाई इंजीनियरिंग करनी होती है, मैथमेटिक इंजीनियरिंग या मेडिसिन पढ़ सकते हैं, और साइंटिस्ट कैसे बनते हैं और साइंटिस्ट क्या करते हैं उनको कोई जानकारी नहीं है। तो और चले बात करेंगे पौड़ी की। आपको बता दें कि यहाँ पर देश का आजादी के 75वें वर्ष पर उत्तराखंड राज्य में भी पौड़ी के दुरुस्त दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र में सरकार ने 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक ब्लॉक मुख्यालयों से यहाँ पर लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के निःशुल्क रूप में यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब लोगों के स्वास्थ्य सेवा पहुँचा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जहरी खाल ब्लॉक के व्यापार ब्लॉक सभागार में मुख्य अतिथि लैंसडून विधायक दलीप महंत ने भी दीप प्रज्वलित कर शिविर का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। उत्तराखंड राज्य बनने के 21 साल हो गए हैं, लेकिन सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों को यहाँ पर नहीं पहुंचा पा रही थी, लेकिन इस बार ये अच्छा काम किया जा रहा है। बेसिकली 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जो अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने जितनी भी सुविधाएं हम देते हैं समान तौर पे, वो सारी सुविधाएं के अलावा विकलांग सर्टिफिकेट जहाँ पे कि आई सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और ENT सर्जन, ये सभी लोग आए हैं जो जाँच करेंगे और जाँच करके बीमारियाँ उसका भी इलाज करेंगे। अगर वो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं तो विकलांग सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। निश्चित रूप से सरकार एक अच्छा कदम यदि स्वास्थ्य सिविल ढंग से लगाए जाते हैं, तो जहाँ डॉक्टरों की हम देखते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो नहीं उपलब्ध है। आज के शिविर में देखा गया कि ENT स्पेशलिस्ट होगा, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट होगा, आई सर्जन होगा, इससे निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों को ये शिविर लगाई है। अपने आप में सरकार का एक नया कार्यक्रम है, हमने पहली बार इस तरीके से शिविर लगती हुई देखा है। और दूसरा, जो ग्रामीण लोग हैं जो कि बार बार नहीं आ सकते या जिनको बाहर जाना पड़ता है, कोटद्वार जाना पड़ता है, कोटद्वार से यहाँ पर सर्जन आए, तो उनको आज यहाँ पे एक कम से कम प्राथमिक तो मिल जाएगी। अगर किसी को कोई रोग हो रहा हो, बड़ा रोग हो रहा हो, तो उसको जानकारी मिल सकती है कि हमारी इस तरीके से यहाँ पर आदमी आकर के दिखा दे, और विभागों के लोग भी आए हैं तो उनको लाभ मिलेगा उसका। हमने अभी ये प्रयास किया है कि ये स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाए प्रत्येक विकास क्रम में, ये सरकार की गंभीरता है स्वास्थ्य के प्रति। और हमने कोशिश किया कि सारी PSC में डॉक्टर दे रही हैं, और लगभग 80-90% अस्पतालों में हम डॉक्टर भेज चुके हैं। कोविड से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर हुआ है, लेकिन अभी हमने सारे प्रयास किए, और अभी हम पैरामेडिकल के जो कर्मचारी हैं उनको भी हम सभी जगह पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार बढ़े हुए किराए का सामना करना पड़ेगा। लगातार आपको बता दें कि यहां पर परिवहन से जुड़े हुए सेक्टर में भी लगातार हो रही मूल्य की वृद्धि के चलते परिवहन कंपनियां किराया बढ़ाने के लिए मजबूर हैं। पिछले यहां पर 4 सालों से किराए में यहां पर अभी तक वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन इस साल लगातार बढ़ते हुए तेल के दामों के चलते चारधाम यात्रियों की जो है जेब पर भी इस बार असर पड़ेगा। आपको बता दें यात्रा स्टेशन अध्यक्ष संजय शास्त्री ने भी बताया कि यहाँ पर लगातार पेट्रोल, डीजल और साथ ही अन्य वस्तुओं के दाम बड़ी तेजी से लगातार बढ़ रहे हैं, और इसी के लिए यहाँ पर इस बार किराए में भी वृद्धि होगी। देखिए, सहयोग तो सारी कंपनियाँ करेंगी जी, और समय लगता है थोड़ा सा कुछ चीज़ों को बनने में, क्योंकि दो साल से करीब करीब ये व्यवस्थाएँ ख़त्म थी। अब दोबारा से ये तैयारी की है सभी कंपनियों ने, तो लगभग 9 में से 8 कंपनियां तो तैयार हो गई हैं। कल 7 बैठक में थी, एक कंपनी वालों से मेरी बात हुई है तो वो भी सहमति उन्होंने व्यक्त किया है, और एक ही कंपनी के लोगों से भी वार्ता नहीं हुई। हम बैठकर इस मसले को ठीक कर देंगे। चलिए बात विकास नगर कोतवाली की कर लेते हैं। विकास नगर पुलिस ने क्षेत्र यहाँ पर हथियारबंद युवकों के घूमने की सूचना पर चेकिंग के दौरान 2 युवकों को धर दबोचा है, जिनमें से बताया जा रहा है कि पास यहाँ पर तमंचा और साथ ही खोखरी बरामद की है।
बताया जा रहा है कि अपर आरोपी किसी वारदात को देने जो है अंजाम देने की फिराक में आई थी। मामले के बारे में जानकारी देते हुए डाक पत्थर चौकी इंचार्ज जसवीर सिंह ने बताया कि पुलिस को अपर क्षेत्र में हथियारबंद युवकों के घूमने की सूचना मिली थी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने अपर चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार दो युवकों को धर दबोचा है, जिनके पास से हथियार बरामद किए गए। कल रात चेकिंग के दौरान हमारे द्वारा तिकोनिया पार्क में दो लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी में उनसे एक से 315 बोल तमंचा और एक से अवैध कुंकरी बरामद हुई है, जिसके संबंध में चौकी आजा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।